गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 23rd of February 2023। कल एफएमसी मिनट्स रिलीज हुआ, जहां पे ऑलमोस्ट ऑल फेड ऑफिशियल्स बैग्ड 25 बेसिस पॉइंट हाइक। अभी प्राइस सेक्शंस पे देखते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.46। कल अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। आज इसका फॉलो थ्रू देखना है, क्या ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 105.25 से 105.75 की तरफ रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आता है, या करंट लेवल से नीचे की तरफ आता है, वो हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी में कल एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा गया है इन एंटिसिपेशन ऑफ स्टीप रेट हाइक्स। यहाँ पे मीन्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर वेरी वॉचफुल अबाउट कि ये फेड मिनट्स में कुछ स्टीप रेट हाइक्स के बारे में डिस्कस ना हो, एंड इन सच ए केस रूपी क्या ये 83 के ऊपर गैप अप ओपन देगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एज ऑफ नाउ द डॉलर रुपीज 82.81, दैट बीइंग द केस ये और एक 82.40, 82.50 ऑन द लोअर साइड एंड 83.00 ऑन द हायर साइड, इसके बीच में ही रहने का एक एक्सपेक्टेशंस रहेगा। जीबीपी डॉलर में कल एक सेल ऑफ देखा गया है। एज पर एक्सपेक्टेशंस हमें ये देखना था, क्या ये प्राइस सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आता है। तो कल सेंटर बैंड से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आने का प्रयास कर रहा है। अभी है 1.2052। सो अभी हमें देखना है क्या ये आने वाले दिनों में 17 फरवरी का जो पिन बार का लो है उसको ब्रेक करता है। इन सच ए केस और थोड़ा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी ये सेंटर बैंड में ही रेजिस्टेंस ले रहा है। क्या ये अभी फर्दर मूविंग डाउन टूवर्ड्स 17 फरवरी लो, ये हमें देखना पड़ेगा। यूरो डॉलर में सॉफ्टनेस बरकरार है। कल ये पिन बार का लो को चैलेंज किया है। कौन सा पिन बार का लो? 17 फरवरी का पिन बार का लो। इसका लो था 1.0613 एंड कल का जो क्लोजिंग था 1.0604। आज इसके नीचे फॉलो थ्रू चाहिए। अगर फॉलो थ्रू होता है तो और एक डाउनवर्ड मूव टूवर्ड्स 104.80, 105.00 हम मीन्स 1.0480 टू 1.0500 की तरफ हम एक सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी यूरो आईएनआर पे भी वीकनेस देखा गया है एंड इट टेस्टेड द 17th फरवरी लो, अभी है 87.90। That being the case, कल के लो के नीचे अगर हम फॉलो थ्रू देखना चाहिए, अगर मिलता है देन देर आर पॉसिबिलिटीज के यूरो आईएनआर में मूव टूवर्ड्स 87.00। डॉलर ईएन 134.86। कल एक इनडिसिशन कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुआ है। That being the case, it's a pause candle. बीओजे ने बॉन्ड बाइंग रिलेटेड भी काफी न्यूज फ्लोज हो रहा है। सो कंसीडरिंग दैट वन, यहाँ पे एक इंडिसिशन देखा गया है। इसके हाई के ऊपर, कल के हाई के ऊपर, कल का हाई कितना है 135.06, यानी 135.10 के ऊपर एक अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वायर इज ऑन द लोअर साइड एंड 134.30 के नीचे वी मे एक्सपेक्ट ए सॉफ्टनेस टूवर्ड्स 133.50 टू 134.00। येन आईएनआर आपका यहाँ पे इनडिसिशंस बरकरार है। इनडिसिशंस कल का एक इनडिसिशन कैंडल था, ये एट द लो एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। यहाँ पे देखने वाला बात यही है कि RSI एट 40 ट्राइंग टू टेक सपोर्ट, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? उसके बाद क्या ये आपका थोड़ा अपमूव करके सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके वापस लो को तोड़ेगा? वी नीड टू वेट एंड वॉच। डॉलर कैंडी
अच्छा खासा अप हुआ है 1.3536। कल बेसिकली हायर लेवल पे एक रिजेक्शन था, आज एक नेगेटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशन, इट्स ए स्टार्ट ऑफ द डे। तो अभी प्रीवियसली हमारा जो 1.35 एंड 1.3525 रेजिस्टेंस था, अभी हमें देखना है ये ब्रेकआउट करने के बाद क्या ये इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या इसी में से नीचे चला आता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है देन वी मे एक्सपेक्ट सम अप मूव। ऑसी डॉलर कल 17 फरवरी का लो के नीचे क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस, आज कल के लो के नीचे फॉलो थ्रो चाहिए एटलीस्ट एक दो घंटे। अगर वहां पे सस्टेन कर जाता है इसके लो के नीचे, दैट इज 0.6790 ही पकड़ लेते, 94 दिखा रहा है, 9490 के नीचे अगर एक दो घंटा सस्टेन कर जाता है देन ये सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है। इन द मीन टाइम अगर ये सेल फॉलो थ्रो नीचे नहीं मिलता है इन सच केस, इट मे ट्राई टू टेक सपोर्ट एट 640। RSI मे ट्राई टू टेक सपोर्ट एट 40। इन सच केस थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। CNH आपका 6.8970 कल एक हाई पे क्लोज दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है एंड बिकॉज ऑफ विच डॉलर रुपी में भी थोड़ा सा बाइंग बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे बाय अपवर्ड मोमेंटम चालू रहेगा डॉलर रुपी में एक बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल अच्छा खासा सॉफ्ट हुआ है, कल इट क्लोज्ड एट 80.26। क्या ये स्विंग लो को तोड़ के नीचे जाएगा ये हमें देखना है या दोबारा ये साइडवेज कंसोलिडेशन में आ जाएगा। बेसिकली प्राइस अभी एक रेंज के अंदर में अटक गया है, ऊपर में 89 नीचे में आपका 79। अभी देखना है कौन सा साइड में ये ब्रेक आउट करता है। US 10-year ट्रेजरी 3.92 कल सॉफ्टनेस देखा गया है, ये जो हाई था 3.968 वहां से नीचे की तरफ आया है। अभी देखने वाला बात क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था 3.92 पे, क्या ये यहीं पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ फॉल करता है, क्या ये कल के हाई के ऊपर दोबारा जाने का प्रयास करता है प्राइस सेक्शन के हिसाब से। अगर कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो और एक नया हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विंग हाई। अगर ये नीचे सस्टेन कर जाता है जाने के लिए तो दोबारा ये 3.80 के तरफ फर्स्ट सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एहेड।